तो आपका नाम? मेरा नाम फजल शेख। और क्या हुआ था सर, कहाँ से कहाँ तक आ रहे थे लेके? सर मेरी गाड़ी लेके मैं जा रहा था शोलापुर। हम दो ड्राइवर रहते, हम लोग एक भर के लाके देता है बाबा को, एक हम लेके जाते रहते। और एक शोलापुर जा रहा था मैं, तो वो अलन चेक पोस्ट है ना, पुराना अलन चेक पोस्ट, वहाँ पे 10-15 लोग खड़े थे सर। उन लोगों ने गाड़ी से मेरे को पहले तो खींच के उतारा नीचे, मेरा मोबाइल छीन लिया और गाड़ी में कुछ पैसे थे वो भी सर गायब हो गए, उन लोगों ने निकाला है। उसके बाद मेरे को एक वीडियो बनाया गया मेरा, उन लोगों ने जबरदस्ती बनाया मेरे को, मैं जिनको जानता नहीं उनका नाम लेने लगाया मुझसे और बोले अगर तू नहीं बताएगा तो तेरे को बहुत मारेंगे, और ऑलरेडी बहुत मारे भी है सर उन लोग मेरे को वीडियो बनाने से पहले। अब जो लोग थे सामने सर, ज्यादा लोग का नाम नहीं मालूम मेरे को, एक दो जन का नाम मालूम है। वो एक वो गौस फिरदौस भाई करके बोल रहे थे वो एक है, और वो एक क्या नाम था उनका, वो पिंटू जमादार करके एक है, ये दो जन सामने थे। और सर उनके 10-12 लड़के लोग थे, उन लोग ने बहुत मारे सर मेरे को, और एक जन ने धमकी भी दिया कि अगर तू हम लोग के जैसा नहीं बोलेगा ना, हम लोग जो बोल रहे वो नहीं बोलेगा तो तेरे को घासलेट डाल के जला देंगे सर। मैं डर गया था इसलिए मैं गलत बयान दे दिया सर वहाँ पे। हाँ उधर ही था सर, व्हाइट फॉर्चुनर थी उसकी। क्या था? व्हाइट फॉर्चुनर गाड़ी में आया था बंदा। क्या नाम उनका? पिंटू जमादार जी। और कितने लोग थे टोटल? और टोटल 12-15 लोग थे सर उन लोग। अबे गौस भाई एक थे। तो आपको ऐसा बात करने के लिए मना करने के बाद डराए पहले तो बहुत मारे सर, मारे पहले डराए, डरा के मारे, उसके बाद मेरे को स्टेटमेंट लिए सर वो। क्या क्या बोल के स्टेटमेंट लेके वो मैं चावल का राशन का चावल लेके जा रहा था सर गाड़ी शोलापुर को, तो उन लोग ने जबरदस्ती मेरे को रुका के, और मेरा बिल था वो राशन के चावल का, ओरिजिनल बिल भी था मेरे पास, फिर भी उन लोग ने मेरे को मेरी बात नहीं सुने, मेरे को जबरदस्ती टॉर्चर करने लगे, बोले इनके नाम पे तू ये स्टेटमेंट दे जी। कितने बजे हुआ ये घटना? ये 1:30 से 2 बजे के बीच में सर। और पुलिस लोग कोई आए थे उधर? पुलिस लोग आधे घंटे में आए थे सर। क्या बोले वो? उन लोग कुछ बोले नहीं, उन लोग ने फिर मेरे को लेके गए चौकी और गाड़ी लेके जाके सब मेरे को वहाँ बिठा दिए और गाड़ी जमा कर दिए सर। आपके साथ कौन कौन थे? मैं अकेला था सर। अकेले जी? मेरा फोन छीन लिए थे सर। पुलिस वाला आने के बाद? हाँ उनको भी बताया था सर, मैंने पुलिस वालों को भी बताया था, ठीक है हम देखेंगे करके बोले उन्होंने। पैसा वगैरह था क्या? मेरे पास 1,00,000 रुपया था सर, वो दूसरे को देने का था, मेरे सेठ ने दिया था मुझे, बोले ट्रांसपोर्ट वाले को देना है। पैसा कहाँ है? तो पैसा वो सर गाड़ी में से मेरे को उतार लिए थे सर उन लोग, गाड़ी लेके जाके पेट्रोल पंप पे लगाए थे, उसके बाद सर वो पैसा लेके उन लोग उतर गए सर। वो 4-5 जन बैठे थे सर, कौन निकाला कौन लिया सर नहीं मालूम, पैसा भी गायब हुआ, मेरी गाड़ी का जैक पाना सब, मतलब जो सामान जो काम में आता है गाड़ी का वो सब गायब कर लिया सर उन लोगों ने। क्या स्टेटमेंट देने लगे आप? हाँ स्टेटमेंट जो आप दिए जी, किसका किसका नाम लिया सर? उनका नाम अभी भी मेरे को बराबर याद नहीं है, एक वो मतलब जो मेन किसी गाड़ी हमारे सेठ के पास करता हूँ जिनका गाड़ी है उनके पास, मालिक का नाम लाइक भाई है, हम लाइक भाई बोलते हैं, यहाँ बुलबागा में रहते हैं सर वो जी। तो आपको डर के अच्छा करने के बाद महेश गोली का एक नाम है, एक हर्षु गुत्तेदार का नाम है, उन्होंने बताया था उनका नाम बोलने के लिए उन्होंने बोला मेरे को, और एक वो चुन्ना वो क्या नाम है उनका, कोई भी इंटरफेयर नहीं है सर उनका, उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है सर। मेरे को टॉर्चर दिए सर, मेरे को बहुत मारे, उसके बाद यहाँ सीने पे मारे सर, फसली में मारे, और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है सर, मेरे को सांस लेने नहीं हो रहा बराबर मेरे को, वही उनका स्टेटमेंट देने के लिए सर, वो गलत स्टेटमेंट में दूं करके वो टॉर्चर किए जी। वो पता नहीं उनका क्या है सर, मेरे को नहीं मालूम उनका मैटर। मेरा नाम सर फजल हारून शेख है, पूरा नाम।